हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज का कंटेंट बहुत बहुत डिफरेंट होने वाला है, बहुत डिफरेंट। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा ट्राई करा है। मैंने एक राइस बैग को, जनरली मेरे घर में जो भी राइस आते हैं ना, तो उसके बैग्स में क्या करती हूँ, एक साथ इकट्ठा करके रख देती हूँ। मेरे फादर इन लॉ के यहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी का काम है तो वहाँ पे यूज हो जाते हैं। बट इस टाइम जब ये एक बैग मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इससे तो रिसाइकिल किया जाए या रीयूज किया जाए। तो मैंने डिसाइड करा कि इसका मैं मीन्स कुछ बनाऊंगी, फैशन एसेसरी बनाऊंगी। मुझे रहते हैं सेल्स रहते हैं बोहिमियन बैग्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। इस तरह का बैग मैंने कभी ट्राई नहीं करा, फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको राइस बैग ले लेना है जिसका आप DIY करना चाहते हो। यहाँ पे आप, मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, बट आप चाहो तो बस एक रेक्टेंगल पीस भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 25 इंच लंबा एंड 15 इंच चौड़ा रखा है। तो इस तरह से मार्किंग करके मैं उसको अच्छे से कट कर लूँगी। आप देखो कुछ नहीं है, बस आपको जैसे मैं वीडियो में देख रही हूँ दिखा रही हूँ, उस तरह से आपको मेजरमेंट करना है एंड उसको कट कर देना है। कट करने के बाद में जो साइड का पोर्शन है उसको भी हमको कट करना है, क्योंकि पूरी जो बोरी है उसको हमने सेपरेट करना है, एक साथ नहीं रखना है। तो साइड का आप जब आप कट करते हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो। उसके बाद में जब आप ये कट कर दोगे तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कपड़े से इसे बनाना चाहते हो, क्योंकि इसके लिए हमें कपड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी कुर्ती ले रही हूँ, कुर्ती को मैं उल्टा कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं कुर्ती को साइड से कट कर दूँगी, ये कुर्ती मेरी टाइट हो गई थी इसीलिए इसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ, तो कपड़ा काफ़ी बेकार हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप सिलाई खोल के यूज़ करें। तो ठीक बोरी के साइज़ का मैंने कपड़ा कट कर लिया एंड ये फोम मुझे जब मैंने AC लिया था, तब AC में मिला था, तब से ये रखा हुआ बहुत बड़ा सा फोम है। तो उससे भी दो हिस्से मैंने कट कर लिए। फोम मैंने दो कट किया है क्योंकि मुझे थोड़ा फोम ही चाहिए था। एक फोम नीचे रखा, बीच में मैंने चावल की बोरी को रखा, ऊपर में एक फोम रखा एंड ऊपर में मैं एक जो कुर्ती का कपड़ा था उसको मैं रख रही हूँ। यहाँ से मुझे मुझसे एक गलती हुई, मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो जब भी मैं DIY करती हूँ, अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, जब करती हूँ तो रियलाइज होता है कुछ गलती है। तो बस लंबी लंबी अपनी सिलाई लगा देनी है एंड जो विथ वाइज में दोनों साइड है उसमें नहीं सिलना है आपने। आपको डोरी प्रिपेयर करनी है, वो आपके ऊपर है कितना लंबा आप रखना चाहते हो। तो यहाँ आपको कपड़ा इतना लेना है कि सिलाई करने के बाद में 1.5 इंच उसकी विथ रह जाए, और लंबा तो आप कितना भी इंच ले सकते हो। उसके बाद ये देखो चौड़ाई में मैं इसको मेज़र कर रही हूँ, आपका जितना भी टोटल होता है, लाइक अगर 20 इंच टोटल है तो उसका हाफ 10 इंच हुआ एंड उससे 10 इंच के मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने 2.5 करके मार्किंग करनी है। बहुत ही आसान है, सबसे विथ मेज़र करें, उसका हाफ निकाले एंड दोनों साइड से 2.5 इंच आपने मार्क करना है। अब जो 2.5 इंच मैंने मार्क किया है, वहाँ पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए मैंने डोरी मैं रखूँगी, इसीलिए मैंने उधर सिलाई नहीं किया था एंड कपड़े को भी अंदर की तरफ पुश करके आपने अच्छे से सिलाई करना, तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब आपको इस तरह से बैक को मोड़ देना है एंड दोनों तरफ से सिलाई कर देनी है। अब नीचे से हम 2 इंच मार्क करेंगे जैसा हम कर रहे हैं बैक के बॉटम को। साइड से सिलाई करने के बाद में आपको देखो आपको बैक को क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है बॉटम का हिस्सा, ऊपर की तरफ फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद में बस दोनों साइड में पूरा आपने नहीं सिलना है, दोनों साइड में आपने बस सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये इसका बॉटम बना है। तो इसको अब मैं सीधा करती हूँ एंड आप देखो रिजल्ट कितना अच्छा आया, मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। एंड मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, कल मैं अपने बच्चों को स्टेशन छोड़ने गई थी तो किसी ने मुझसे पूछा ये बैग आपने कहाँ से लिया है। तो मेरा तो दिन बन गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। आपको कैसा लगा? आज का ये राइस बैग से फैशन एसेसरी
बनने का आइडिया अच्छा लगा हो, आप DIY करते हो ना, तो सिर्फ टाइम पास के लिए मत करो, जेन्युइनली आप उसे यूज करोगे तभी आप उसे DIY करो। बहुत ही सुंदर सा एथनिक सा वाइब दे रहा है, जीन्स के साथ, कुर्ती के साथ, हर एक चीज के साथ बहुत अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं कि आप इस तरह का ही डिजाइन करो, आपके माइंड में कुछ आ रहा है आप डिफरेंट डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मेरे पास एक हनी मंगवाई थी तो उसके ऊपर ये बैग जूट का मिला था, तो इसको मैंने रख दिया था, ये मेरी दुपट्टे की लटकन है। तो इस तरह से करके बहुत छोटी छोटी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। ये था मेरा आज का कंटेंट। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, मैं बहुत हार्डवर्क कर रही हूँ, मेरे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं हर एक तरह का कंटेंट लेके आ रही हूँ। एंड सावर कैप को मैंने DIY करना बताया है, तो लास्ट में मैं वो एड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।